नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल में। मैं इस समय हूं उत्तराखंड के काठगोदाम जगह से, मात्र मुझे लग रहा है कि 40-45 किलोमीटर दूर पे कैंची धाम पड़ता है। कैंची धाम आप सभी लोग जानते हैं, सुप्रसिद्ध जगह का नाम है। यहां पर बाबा नीव करोरी जी का आश्रम है जो मेरे ठीक पीछे है, और आश्रम के जस्ट बगल में मैं आपको दिखा पाऊँ कि एक नदी जो बहती हुई आ रही है, उसकी आवाज़ शायद आपके कानों में जा भी रही होगी। और नदी ज़रा सा दिखा दिया जाए, और ये देख सकते हैं आप, नदी कितनी साफ़ है इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जो नीचे पत्थर हैं वो बिल्कुल एकदम साफ तरीके से पानी को देखा जा सकता है। आप देख रहे हैं नदी बहुत दूर से आ रही है, और ठीक मंदिर, बाबा नीव करोरी के मंदिर के पीछे से ये नदी बहती हुई आ रही है। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को बना रहा हूँ इस पर्पज़ से कि आप में से बहुत लोग यहाँ आने की तमन्ना रखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यहाँ आना है तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम पड़ेगा, और काठगोदाम यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर समथिंग दूर है, और काठगोदाम ही आपको आखिरी स्टॉपेज यहाँ का है, क्योंकि वहाँ के बाद से रेलवे लाइन नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और वहाँ से बसें ही चलती हैं। फिर काठगोदाम से आप जब चलेंगे तो काठगोदाम से आपको या तो टैक्सी करनी होगी, खुद की कोई गाड़ी लेनी होगी, उस गाड़ी का चार्ज मैक्सिमम आपको 500-700 बोल सकते हैं, जो आपको रिजर्व लेकर आएंगे। नहीं तो यदि आपको बस से आना है तो आपको एक जगह उतरना होगा और दूसरे जगह फिर आपको चढ़ के यहाँ आना होगा। मतलब काठगोदाम से लेकर के और कैंची धाम के बीच में आपको एक बार बस उतारेगी, फिर वो बस वहाँ से उतारने के बाद से छोटी गाड़ी आपको यहाँ तक लेकर आएगी। ये हो गया आपका यहाँ का सरकारी साधन। अगर आप सरकारी साधन से आते हैं जिसको आप बस और टैक्सी कर सकते हैं, तो 100 रुपये आपका बस का लगता है एक स्टॉपेज का, और यहाँ से 50 रुपये, लगभग 150 रुपये आपके बस से लग जाएंगे। और यदि आप रिजर्व करके आते हैं तो रिजर्व का आपसे मैक्सिमम चार्ज 700-900 रुपये लिया जाता है, कुछ कुछ 500 में लोग मान जाते हैं। दूरी चूँकि ज़्यादा है नहीं, लेकिन पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी जगहों से होकर आना है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा। मैं आपको दिखा दूँ एक अद्भुत दृश्य, यहाँ कैंची धाम में आप बंदर ज़रूर पाएंगे। आप देख सकते हैं कई मंकी यहाँ पे दिख रहे होंगे, आपको बंदर दिख रहे होंगे, यहाँ से लेकर के ऊपर से लेकर के चारों तरफ यहाँ बंदरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और ये बंदर काटने वाले बंदरों में से नहीं है, ये आप इनके अगर पास भी चले जाएँ तो आपको नुकसान नहीं पहुँचाने वाले हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि यहाँ पर जो आता है उसको वो अपने पवित्र मन और पवित्र शरीर लेकर के आता है, इसलिए उनको ये नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। फिलहाल देख सकते हैं आप छोटे छोटे बंदर, कई बंदर यहाँ पर हैं। तो मैं बात कर रहा था इस नदी की स्वच्छता को लेकर के। मैं बता दूं आपसे, उत्तराखंड में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतरीन नेचर से जुड़ी हुई हैं। आप इन पहाड़ियों को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, चीड़ के पेड़ों को, देवदार चीड़ के पेड़ यहाँ पर हैं, इनको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी घनघोर यहाँ पर वर्षावन है। तो इन वनों के ही वजह से उत्तराखंड को बेहतरीन माना जाता है, और ख़ासकर इस जगह पे जहाँ इस समय हम हैं कैंची धाम में। तो इस कैंची धाम के बारे में मैं आपको बता दूं, बाबा नीव करोरी बाबा, जिनको सबसे बड़ा मतलब मिरकल माना जाता है, और ऐसा है भी, बहुत से आस्थावान लोग यहाँ पर आते हैं और उनके मिरकल को जानते हैं और जानने के बाद से उनको पसंद करते हैं। मैं आपको बता दूं कि बाबा नीव करोरी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर जगह में हुआ था, और वो अकबरपुर में तकरीबन सन 1900 ईस्वी में बाबा का जन्म हुआ था, और बाबा की मृत्यु 11 सितंबर 1973 को मानी जाती है। तो बाबा के समाधि छोड़ने पर यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण बाबा ने कराया था, और तब से लेकर आज तक, मैं बता दूं आपसे, जिस कैंची धाम में इस समय हम हैं, जिस मंदिर को हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर स्टीव जॉब से लेकर के और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग तक यहाँ पर आ चुके हैं। जूलिया एबल्ट, जो हॉलीवुड की प्रसिद्ध अदाकारा, वो यहाँ पर बराबर अभी भी आती रहती हैं, और बहुत बड़े बड़े लोग, नामचीन लोग। मैं बता दूं आपको, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी, उत्तर प्रदेश के भी थे, वो भी यहाँ पर बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, बाबा का आशीर्वाद लेने वो भी आया करते थे। तो बाबा के बहुत बड़े बड़े भक्त भी हैं हुए, और आज भी ऐसा ही है, बाबा के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी अलौकिक चीज़ें हैं जिसको लेकर के लोग कहते रहते हैं, और उन चीज़ों को आपको सामने देखने के लिए आपको कैंची धाम आना होगा। कैंची धाम काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर आप उतरेंगे तो फिर आप कैंची धाम
आ सकते हैं। तो ये था बाबा का कुछ मिरेकल चीज़ें जो बाबा के साथ हुई थी, और बाबा चलते फिरते व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया करते थे, तो उसके लिए सच में आशीर्वाद समझ में आ जाया करता था। तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ ये कैंची धाम का कुछ दृश्य जो आप देख सकते हैं, और कोशिश की आपको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की, और नदी के बारे में बताया मैंने, इस चीड़ के पेड़ों के बारे में बताया, मंदिर के बारे में बताया। तो ये था आज का कैंची धाम का ये सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।